श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी अफताब ने पूछताछ में पुलिस को एक और बात बताई है। श्रद्धा की हत्या करने के बाद वह बाहर से आरी लाया और बाथरूम में ले जाकर श्रद्धा का शव काटने लगा। कुछ देर बाद जब वह थक गया तो उसने बाहर से खाना मंगवाया। उसने वहीं शव के सामने बैठकर खाना खाया। इस दौरान उसने बियर भी पी और उसके बाद वेब सीरीज देखी। बीते दिन साकेत कोर्ट ने 5 दिनों के लिए अफताब की कस्टडी बढ़ा दी है। केस से पहले कोर्ट के बाहर वकीलों ने जमकर हंगामा किया। वकीलों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। वकीलों की मांग थी कि अफताब को मौत की सजा दी जाए। वकीलों ने जमकर आरोपी के लिए फांसी की मांग को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद अफताब की फिजिकल हियरिंग की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। आरोपी अफताब पूनावाला ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने श्रद्धा के सिर समेत शरीर के कई टुकड़े की फ्रिज में 5 महीने से ज्यादा समय तक रखा था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी यही पुष्टि हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने श्रद्धा के शव के सिर 16 टुकड़े किए थे। इस दौरान पहले की तरह वह मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर दुख या पछतावा का कोई भाव नहीं दिख रहा था। हत्या के अगले दिन उसने श्रद्धा के शव को बाथरूम में रख दिया था। शव एक दिन बाथरूम में पड़ा रहा। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसके बाद उसने श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़े पॉलिथीन में पैक कर जंगल में फेंक दिए थे। श्रद्धा का सिर, धड़, पैरों के पंजे और हाथ की उंगलियों को फ्रिज में पॉलिथीन में पैक कर रख दिया था। आरोपी का कहना है कि उसे शव के इन टुकड़ों को फेंकने का मौका नहीं मिला था।